जी क्या हुआ था? रात में हम गाड़ी चलाने गए, मालूम पड़ा सुबह सुबह आए तो एक बॉडी इधर एक बॉडी लाइन पे पड़ी थी। क्या लग रहा है कि किसी ने हत्या की है कि? अब अभी तो मालूम नहीं है। क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है, अब जो भी हो पता लग जाए, न्याय मिले। हाँ न्याय मिले, इंसाफ मिले। मेरा नाम महेंद्र कुमार। सर क्या घटना हुई है, किस तरह से हत्या हुई है, वजह क्या हुई है? अभी अभी सुबह सूचना मिली पुलिस को कि पंतरवा में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसके सर में चोट है और उनका भाई रेलवे ट्रैक पर है, वहाँ पे कट गया है। जब यहाँ के आरंभिक तौर पे जानकारी की गई है तो ये जो मृतक जितेंद्र है वो ट्रैक्टर वगैरह चलाता है एक जगह। कल शाम को 7 बजे वहाँ जानकारी मिली कि ट्रैक्टर खड़ा करके घर आ गए थे ये। और नॉर्मली इनके पिताजी कहना कि घर पे आने के बाद खाना वाना खा के रात को ही निकल जाते थे, कहाँ घूमते थे कैसे कुछ पता नहीं है। और वो सो गए क्योंकि कामकाजी हैं रमेश जी, वो सो गए, उनका कुछ पता ही नहीं चला। और मौके पर यहाँ पे छोटे वाली भाई जिसकी रेलवे ट्रैक पे डेड बॉडी मिली है उसकी चप्पल पड़ी हुई है, मृतक की चप्पल अलग है और ये छोटे की चप्पल अलग है, यहीं पर पड़ी हुई है। और ये वो उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक जो बगल में आप देख रहे हैं थोड़ी दूरी पर है वहाँ पर जा कर के कटा हुआ है। अभी पूरे मामलों की जानकारी की जा रही है। अभी आरंभिक तौर पर थोड़ी सी बात आई थी कि छोटी मोटी बात को लेकर के दोनों भाइयों में शाम को कुछ कहा सुनी हुई थी और वहाँ से फिर घटना तक की परिणत की और इसके बीच में कुछ और भी बातें हैं तो हम सारी बिंदुओं पर तहकीकात कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं और शीघ्र ही पता चल जाएगा। दोनों बॉडी अलग अलग स्थानों पर? हाँ दोनों डेड बॉडी, क्योंकि वो जहाँ रेलवे ट्रैक पर कटा वो कौसाम्बी में आ रही है तो पूरा मुफ्ती के लोग गए हैं वहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं और आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। और ये घटना धूमनगंज की है और इसमें हम इनके पिताजी से भी तहरीर लेके कार्रवाई शुरू करेंगे।